ओके हाउ टू मेक नोट्स सो दैट आपके दिमाग में सबसे ज्यादा रिटेन रहे आपका चैप्टर चैप्टर पढ़ने के बाद आप सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाते हो चैप्टर का मेक अ माइंड मैप और अ फ्लो चार्ट ऑफ द चैप्टर माइंड मैप्स मैं आपको बना के दिखा चुकी हूं फ्लो चार्ट्स मैं आपको बना के दिखा चुकी हूं ठीक है इस तरीके से आपका फ्लो चार्ट होना चाहिए कि एनसीआर की हेडिंग्स और बोल्ड वर्ड्स जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो उस माइंड मैप में नजर आनी चाहिए जैसे बायोडाइवर्सिटी इन कंजर्वेशन का अगर माइंड मैप तो में तुम्हें दिखाऊं बायोडाइवर्सिटी इन कंजर्वेशन में मेन तीन टॉपिक्स हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी में आगे फिर से तीन टॉपिक है पहला डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जिसमें जेनेटिक स्पीशीज और इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी है जेनेटिक के आगे मैं यहां पे एग्जांपल लिख सकती हूँ रोवल्फिया वॉमिटोरिया का एग्जांपल स्पीशीज के आगे मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे राइस वाला एग्जाम्पल सॉरी uh, क्या है एम्फीबियन वाला एग्जाम्पल इकोलॉजिकल में मैं लिख सकती हूँ अपना स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वाला एग्जाम्पल ठीक है हाउ मेनी स्पीशीज वर्ल्ड में कितनी है इंडिया में कितनी है यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ साइड में वर्ल्ड में भैया 1.5 मिलियन के आसपास जो है वो हुई है डिस्कवर और रॉबर्ट मैंने 7 मिलियन का एस्टिमेट दिया हुआ है ठीक है इंडिया में कितना है 2.4 परसेंट ऑफ द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी है लेकिन इसका एरिया सिर्फ सॉरी 8.1 और एरिया सिर्फ टू पॉइंट फोर परसेंट है इस तरीके से मैंने पूरे चैप्टर का माइंड मैप बना लिया बेटा माइंड मैप के बिना कभी भी चैप्टर याद नहीं रहेगा यू हैव टू मेक अ माइंड मैप नहीं तो चैप्टर का कोई ना कोई पार्ट छूट जाएगा देखो यहाँ पे रॉबर्ट में है तुम कभी नहीं भूलोगे ऐसे लिखोगे तो कि रॉबर्ट में यहाँ पे है एडवर्ड विल्सन यहाँ पे है किसने पॉपुलराइज किया था कभी नहीं भूलोगे तुम्हें चैप्टर याद करने के लिए अंत में नीट से जस्ट पहले माइंड मैप ही खोल के देखना है माइंड मैप खोल के देखना और माइक्रो नोट्स खोल के देखना माइक्रो नोट्स कैसे बनाते हैं मैं सिखा रही हूँ तुम लोगों को अभी ठीक है सो दिस इज हाउ यू मेक अ माइंड मैप ठीक है इसका चिंता मत करो ये तुम्हारे पास है uh, टेलीग्राम पे दिए हुए मैंने PDF के रूप में मेक डिटेल्ड नोट्स एक बार जब आपने माइंड मैप बना लिया उसके बाद अपने डिटेल्ड नोट्स आप बनाना शुरू करेंगे जैसा मैं आपको बना के दिखाती हूँ मैंने आपको दिए भी हुए हैं मैं भी दोबारा से भी दिखा दूंगी स्टेप थ्री उन डिटेल्ड नोट्स में बेटा पास्ट ईयर क्वेश्चन को एड कीजिए उस पर्टिकुलर टॉपिक में से पिछले दस सालों में नीट में क्या क्वेश्चन आया हुआ है उसको ऐड करना बहुत जरूरी है तभी आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस नीट पूछ रहा है जैसे कि आपने बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के डिटेल्ड नोट्स बनाने शुरू कर दिए। सबसे पहला पॉइंट भैया कितनी स्पीशीज एंडस की हैं बीटल्स की है फिश की ऑर्किड की, की है फिर बायोडावर्सिटी को पॉपुलराइज किया एडवर्ड विल्सन ने वही चीज़ है जो माइंड मैप में लिखी है उसी को डिटेल में लिखा है फिर इसकी डेफिनेशन क्या है जेनेटिक डाइवर्सिटी में किस किस का एग्जाम्पल है रावोल का वॉमिटोरिया फिफ्टी थाउजेंड स्ट्रेन ऑफ राइस वन थाउजेंड वैराइटीज ऑफ मैंगोज फिर स्पीशीज डाइवर्सिटी फिर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये आपने नोट्स बना लिए एक पहले पैराग्राफ के अब आप पास्ट ईयर क्वेश्चन में से देखेंगे कि नीट में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है ये नीट 2011 का क्वेश्चन है ये आप साइड में लिखेंगे तभी आपको पता चलेगा नीट कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है पिछले कम से कम 10 साल के पेपर आप एनालाइज करते चलेंगे साथ साथ में विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया ये दो नीट दो का क्वेश्चन है राइस करता है मेज करता है मैंगो करता है ग्राउंड नट करता है अब यहां पे नोट्स में इसका आंसर है मैंगो की एक हजार वेराइटीज है लेकिन राइस के पचास हजार स्ट्रेन है तो मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी है इसका आंसर राइस हो गया ठीक है सिमिलरली आप आगे चलेंगे फिर उसके बाद हमने ये कहा कि भैया आई के अनुसार हमारे पास टोटल में अभी तक 1.5 मिलियन से थोड़ी सी अधिक जो स्पीशीज हैं वो डिस्कवर हो चुकी है लेकिन रॉबर्ट मैंने कहा है कि 7 मिलियन स्पीशीज हैं फिर उसके बाद कुछ और हमने फन फैक्ट्स एनसीआरटी में दिए हुए हैं कि भैया जितनी स्पीशीज डिस्कवर हुई है उसका सत्तर एनिमल्स हैं ठीक है और एनिमल्स का भी सत्तर परसेंट जो है वो इंसेक्ट्स है और जो फंगस स्पीशीज है उसका जो टोटल काउंट है वो कंबाइंड टोटल काउंट दिए अब देखो ईयर क्वेश्चन में इसमें क्या क्वेश्चन ये, ये दोनों नीट 2011 हजार ग्यारह क्वेश्चन है नीट 2011 हजार बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का साल था इतने क्वेश्चन फॉलोइंग एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग्रोनियम इज करेक्ट हमें पता है भैया आई का यहां से क्वेश्चन आया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ठीक है एनसीआर ने ये पॉइंट मेंशन किया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ स्पीशीज इन नेचर इंसेक्ट्स की होती है बर्ड्स की होती है एनजिस की होती है फंजाई की होती है भैया बताया गया है कि सेवेंटी एनिमल्स एनिमल है और उसका भी सेवेंटी इंसेक्ट्स है तो इंसेक्ट को तो कोई कंपीट ही नहीं कर सकता ना इस तरीके से बेटा कई बार एक एक पैराग्राफ में से पास्टर क्वेश्चन पास्ट so, तो होगा यह जानने के लिए ये कैसे समझेगा कि कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है नाउ यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट डिटेल नोट्स में तो अभी तक मैंने क्या क्या बातें करी है पहला मेक अ फ्लो चार्ट और माइंड मैप सबसे पहले माइंड मैप बनेगा फिर डिटेल्ड नोट्स बनेंगे और डिटेल्ड नोट्स के साथ साथ में आपके नीट के क्वेश्चन मेंशन होंगे तब क्या क्या आया था तब क्या क्या आया था ठीक है नेक्स्ट स्टेप क्रिटिकली एग्जामिन इसका मतलब क्या है आपने जो नोट्स बनाए हैं उसमें एक सामने तो आपने पास्ट ईयर क्वेश्चन लगा दिया अब उसमें एक पेज एक्स्ट्रा चिपका लो या एक पेज कॉपी में ही एक्स्ट्रा ले लो कौन से नए क्वेश्चन बन सकते हैं उस पैराग्राफ में से इसे क्रिटिकली एग्जामिन करना कहते हैं ये आप अभी नहीं कर सकते हो जो नीट 2021 दे रहे हैं लेकिन जो 2022 का बच्चा है जो 2023 का बच्चा है वो तो कर सकता है ठीक है जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल देती हूं मान लो ये है कि इंडिया में कितनी बायोडाइवर्सिटी है ठीक है 2.4 परसेंट ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया लेकिन ग्लोबल डाइवर्सिटी एट है वन ऑफ द ट्वेल्व मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में आता है कितना प्लांट स्पीशीज है फोर्टी एनिमल स्पीशीज कितना है ट्वाइस दिया हुआ है अब इसमें से नए क्वेश्चन अगर मैं क्रिटिकली एग्जामिन करूं तो मैं क्या बनेगा वट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन इंडिया यह क्वेश्चन बन सकता है अगला आपका नीट दो हजार इक्कीस के लिए या बाईस के लिए इसका आंसर इसमें है ये क्वेश्चन इस तरीके से अपने क्वेश्चन फ्रेम करने एक पूरे पेज पे क्वेश्चन बना दो जितने क्वेश्चन उस उस पेज से बन सकते हैं क्योंकि आएगा तो वहीं से ही और कोई ऑप्शन नहीं है एग्जामिनर के पास अब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आने हो गए बंद अब यही है माता पिता यही है यही है बंधु सखा यही है ठीक है और क्वेश्चन बनाओ अकॉर्डिंग टू मे वट परसेंट ऑफ स्पीशीज रिकॉर्डेड 22 परसेंट ये क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ वट इज कोलंबिया हैज़ हाउ मेनी स्पीशीज़ ऑफ़ बर्ड्स ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी आ गया तो वैसे आता नहीं है कोलंबिया हाउज हाउ मैनी ऑफ द बर्ड स्पीशीज सपोज बन तो सकते ही है ना क्वेश्चन चाहे आता है चाहे नहीं आता एनसीआरटी में क्वेश्चन बन तो सकते ही है ना दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एग्जामिनेशन यह आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर करता है जब आपका दिमाग सोचना सीख जाएगा तो आप एग्जाम में भी क्वेश्चन उतने ही अच्छे परफॉर्म कर पाओगे यू हैव टू मेक योर ब्रेन थिंक अंडरस्टुंड एंड द लास्ट पॉइंट इज मेक माइक्रोनोट्स माइक्रोनोट्स आप चाहे उसी वक्त ना बनाओ लेकिन अगर उसी वक्त बना लोगे तो ज़्यादा सुखी रहोगे क्योंकि जब चैप्टर हमारे दिमाग में फ्रेश होता है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में माइक्रो नोट्स में बनाना बहुत आसान होता है जब आप बाद में माइक्रो नोट्स बनाने की कोशिश करते हो तो इट बिकम्स अ हेडेक, क्योंकि हमें चैप्टर खुद ही याद नहीं रहता ठीक है है माइक्रो नोट्स क्या है? जो आपने 20 पेजेस के नोट्स बनाए हैं ये या 25 पेजेस के इस तरीके से नोट्स बनाए हैं अब जब आप नीट से एक दिन पहले पढ़ना चाहोगे या दो दिन पहले पढ़ना चाहोगे तो आप हर चैप्टर के ये 20-25 पेजेस के नोट्स कैसे पढ़ोगे नहीं पढ़ सकते ना तो आपने छोटे छोटा एक पेज पे पूरा का पूरा चैप्टर का नोट्स बनाया हुआ है एक पेज के आगे पीछे करके चैप्टर का पूरा नोट्स बनाया हुआ है अब आप वो पढ़ोगे तो मैम हम पहले ही माइक्रो नोट्स बना लें हम हम डिटेल नोट्स क्यों बनाते हैं क्योंकि बेटा डिटेल नोट्स के साथ आप पास्ट ईयर क्वेश्चन जोड़ते हो आपके दिमाग को वो भी तो चाहिए ना डिटेल नोट्स के साथ आप क्रिटिकली एग्जामिन करते हो आप नए क्वेश्चन बनाते हो माइक्रो नोट्स चीट शीट्स हैं दे आर चीट शीट्स ये बस आपको देखना है अंत में ठीक है अंत में देखना है और बस और कुछ नहीं है ठीक है एक बार लाइन नजर मार के जाओ और नीट दे दो मैं तुम्हें दिखाती हूँ शायद बहुत छोटा है मैं देखती हूँ अगर जूम हो जाता है तो मुझसे पहली बात तो ये बोर्ड मेरी बात मानता नहीं है कुछ भी बट स्टिल आई विल ट्राई तुम लोग कुछ दिख रहा है चलो कोई नहीं नहीं भी दिख रहा तो आ... दिख तो रहा है दिख तो रहा है थोड़ी सी क्वालिटी हाई करो दिखेगा देखो वही चीज है बस बहुत छोटे में शॉर्ट में लिखनी है वही बातें जो पूछी जाएंगी फालतू तो की रबिश छोड़ दो इतने स्पीशीज ऑफ एंट्स है इतने बीटल्स है इतने फिश है बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या है पॉपुलराइज की थी एडवर्ड विल्सन ने जेनेटिक में क्या एग्जाम्पल है राउवल्फिया वोमिटोरिया का एग्जाम्पल है राइस का एग्जाम्पल है मैंगो का एग्जाम्पल है थोड़ा सा ये भी लिख लो राइस में कितना लिखा है पचास हजार स्ट्रेन और मैंगो में कितना लिखा है एक हजार स्ट्रेन ये सब मेंशन करो छोटा छोटा छोटा, छोटा 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 लिखो कि जस्ट लास्ट में नीट में जाने से जस्ट पहले यू विल जस्ट स्कैन क्योंकि ये आप तब तक भूल गए होगे आपको फिजिक्स भी पढ़ना और केमिस्ट्री भी पढ़ना है ना सो so, आप भूल जाओगे तब तक आपको एक चीट शीट चाहिए देखते ही बस जाओ और बात खत्म ठीक है ये तीन प्रकार की है हम सारी वेल्थ लूज कर सकते हैं दो सेंचुरीज के से अंदर कितनी स्पीशीज है 1.5 मिलियन रॉबर्ट ने कितनी कही थी सात मिलियन आईयूसी की डेफिनेशन क्या है सत्तर ट्वेंटी टू इज प्लांट प्लस प्लांट प्लस फंगस टी परसेंट ऑफ ऑल एनिमल्स आर देन फंगस स्पीशीज इन सबकी मिला के ज्यादा है फंगस देन हम इंक्लूड नहीं करते काउंट में इंडिया के पास टू पॉइंट फोर परसेंट एरिया है लेकिन एट पॉइंट वन परसेंट ग्लोबल डायवर्स दिस इज हाउ यू मेक नोट आई होप ये वीडियो आप लोग बहुत आ, ध्यान से फॉलो करेंगे बिकॉज दिस कैन मेक यू नीट टॉपर ये वीडियो आपको एक नीट टॉपर बना सकती है अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो नोट मेकिंग के क्या क्या स्टेप्स हैं फ्लो चार्ट या माइंड मैप बनाएंगे देन इसका डिटेल नोट्स बनाएंगे देन पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऐड करेंगे देन क्रिटिकली एग्जामिन करके अपनी मर्जी से क्वेश्चंस बनाएंगे और अंत में माइक्रो नोट्स बनाएंगे लास्ट में पढ़ने के लिए